हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसे कि डिवीजन ऑपरेटर जिसमें आता है उसमें और मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। एक प्रोग्राम मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर के ऊपर पहले से डाल रखा है जिसका जो मतलब है वो ऑड इवन निकालने से है। तो अभी हम ऑड इवन का प्रोग्राम मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी कि डिवीजन ऑपरेटर से भी देखेंगे और मॉड्यूलस ऑपरेटर तो मैं पहले दिखा भी चुका हूं, फिर भी मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी प्रयोग हम इसमें करेंगे। दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड ब्लॉक को मैं ऑन करता हूं, ये कोड ब्लॉक ऑन हो चुका है। अब यहां से एम्प्टी फाइल में ले लेता हूं। अब यहां पे जो भी कोडिंग करनी है हमें करनी है, तो हैश इंक्लूड, यहां पे क्या करना है एक वेरिएबल बनाना है, इंट टाइप का हम डेटा टाइप ले लेते हैं, एक वेरिएबल ए बना लेता हूं मैं, ठीक है। पहले हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर मैं पहले भी दिखा चुका हूं, अभी हम यूज करते हैं उसको भी, लेकिन पहले डिवीजन ऑपरेटर। तो यहां पर अब क्या करना है हमें, यहां पे प्रिंट एफ देना है क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ना चाहिए, एंटर अ नंबर, यूजर को तो यही दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया, अब यूजर एंटर करेगा इसलिए स्कैनअप भी लगा दिया है, परसेंट डी इंटीजर है इसलिए परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए। इसके बाद अब यहां पे हमें करना है, तो देखिए यहां पे इफ एल्स की कंडीशन हम लगाते थे जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे तब, अभी भी हम वही करेंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे, देखिए हम यहां पे लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, इनटू टू इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हमने दे दी। अब समझिएगा इसमें क्या है, क्या अगर आप ए ऑब्लिक यानी ए डिवाइडेड बाय टू करते तो होता क्या, अगर सपोज कीजिए ए में फाइव वैल्यू आपने एंटर करी तो ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर का इंटीजर में गुणा कीजिए, इंटीजर का इंटीजर में डिवीजन कीजिए, कुछ भी करिएगा तो रिजल्ट इंटीजर ही आना है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन सही हो नहीं पाएगा हमारा, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। और रिजल्ट अगर 0 नहीं बल्कि a आता है तो हम ये कहेंगे कि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं प्रिंट f इवन, ठीक है, एल्स प्रिंट f, अब हम कहेंगे इसको ऑड, ठीक है। इसके बाद यहां पर रिटर्न जीरो कर देता हूं मैं, अब इसको सेव करने की बारी, सेव करता हूं इसको, इसको मैं कर देता हूं डिवाइड डॉट सी, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको सबसे पहले हम कंपाइल करवाते हैं, तो यहां देख सकते हैं आप कोई भी एरर नहीं है। अब इसको रन करवाते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब आइए देखते हैं, यहां पे मैं 7 एंटर करता हूं, ये बता रहा है ऑड, आप देख सकते हैं नो प्रॉब्लम। अब मैं फिर इसको रन करता हूं, अब की बारी मैं 6 एंटर करता हूं, तो यहां पे ये इवन बता रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। यानी आपने देखा कि डिवीजन ऑपरेटर का भी यूज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं बहुत ही इजीली, इसमें हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं यूज किया है। तो आइए देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते थे तो क्या होता था। यहां पर जो हमने कंडीशन दी है इस कंडीशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहां पे a मॉड्यूलो 2 करेंगे और अगर रिजल्ट 0 आ जाए तब हम ये कहते थे कि ये इवन है नहीं तो ऑड है। देखिए मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूं, ये भी प्रोग्राम सेम काम करेगा, पहले कंपाइल करवाया मैंने नो एरर, अब इसको रन करवाता हूं। यहां पे अगर मैं 7 एंटर करता हूं वैल्यू तो ये ऑड हो गई, ठीक है। अब इसको दोबारा से मैं रन करवाता हूं, अगर मैं 89 एंटर करता हूं तो ये ऑड वैल्यू है, ठीक है, फिर एक बार और 92 एंटर करता हूं तो ये इवन वैल्यू है। तो इस तरीके से दोनों प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कहां पे डिफरेंस आ रहा है। यहां पे हमें कंडीशन जहां पे हम दे रहे हैं यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ रही है, और ये अगर चेंजिंग अगर आपको समझ में आ गई तो समझिए कि
फिर आप आसानी से प्रोग्राम बना लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।